नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज जो है हम वास्तु पे बात करेंगे और वास्तु में भी जो टॉपिक है वो है मिरर्स। मिरर्स को लेके मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत से आप लोगों में से आप लोगों के बहुत से सवाल आए हैं मेरे को मिरर्स को लेके, जो कन्फ्यूजन है उससे लेके। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये सारे कन्फ्यूजन्स जो है इस वीडियो के थ्रू मैं आपके क्लियर करने में मदद करूँ। तो देखिए, मिरर जो होता है वो जल तत्व होता है, वाटर एलिमेंट होता है। जैसे मैं पहले भी आप लोगों से कहती आ रही हूँ, और जो वास्तु है वो बेसिकली फाइव एलिमेंट्स जो पंच तत्व हैं उनका बैलेंसिंग ही होता है। तो वास्तु में जो है हम क्या करते हैं, जब हम कहते हैं कि जी कोई भी जगह वास्तु कंप्लायंट है, तो मतलब उसमें जो पंच तत्व हैं वो बैलेंस्ड है। और अगर वास्तु दोष है तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट का जो है इम्बैलेंस है, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि मिरर जो है वो जल तत्व है, यानी कि वाटर एलिमेंट है। तो कहाँ कहाँ पे जो है मिरर, किस डायरेक्शंस में जो है मिरर लगाया जा सकता है, और कितने बड़े मिरर का असर होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी कितना बड़ा मिरर होना चाहिए, छोटा मिरर भी है तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा, ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। देखिए, चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ द मिरर। मिरर यदि 5 फीट लेंथ में, 5 फीट लंबाई में और 3 फीट विड्थ में अगर हो तो उसका असर होता है, मतलब इतना बड़ा हो या इससे बड़ा हो। अगर हमारे पास मेजरमेंट्स नहीं है तो आप ये समझिए कि अगर वेस्ट से कमर से नीचे तक हमारी बॉडी जिसमें दिख रही हो, इतना बड़ा यदि मिरर है तो उसका असर होता है। यदि उससे छोटा मिरर है तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता, रादर उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बाथरूम्स में वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगाते हैं, तो अगर वो छोटा मिरर है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो उसमें परेशान होने की या ये सोचने की कि जी ये गलत डायरेक्शन में है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा मिरर जिसमें आपकी बॉडी 3/4 दिखाई दे, उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये डाउट क्लियर हुआ। अब बात आती है कि किस डायरेक्शंस में हम मिरर रख सकते हैं। देखिए, नॉर्थ की जितनी दिशाएं हैं, नॉर्थ से रिलेटेड जितने डायरेक्शंस हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये सारी जो है वाटर रिलेटेड दिशाएं हैं, यानी कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करने वाली डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हैं। तो यहाँ पे मिरर अगर आप लगाते हैं तो उससे कोई नुकसान या कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, या उसको हम वास्तु दोष नहीं कंसिडर करते। ईस्ट भी है, जो ईस्ट की भी जो दिशाएं हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहां पे भी जो है आप मिरर लगा सकते हैं। अब आती हैं साउथ की दिशाएं, यानी कि साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, और अर्थ की दिशाएं, यानी कि साउथ वेस्ट। तो फायर और अर्थ वो जो है वॉटर के एनिमीज हैं, जल के एनिमीज हैं आग और पृथ्वी। तो यदि फायर रिलेटेड डायरेक्शंस, जो कि मैंने कहा साउथ से रिलेटेड डायरेक्शंस हैं, और अर्थ रिलेटेड डायरेक्शन जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यदि इन डायरेक्शंस में हम मिरर लगाएंगे तो उसको हम वास्तु दोष कंसिडर करते हैं। तो इन डायरेक्शंस में जो है मिरर अवॉइड करना चाहिए। पर अब ये क्वेश्चन आता है कि जी हमारा तो बेडरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, बेडरूम बहुत अच्छा माना जाता है तो बेडरूम में तो मिरर होगा। देखिए, उनकी भी रेमेडीज हैं, देर आर रेमेडीज एंड देर आर सोल्यूशंस जो कि हम कर सकते हैं, पर उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मिरर आ रहा है, राइट? वेस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट डायरेक्शन आता है। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो स्काई, आकाश को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर भी जो है मिरर लगाया जा सकता है। तो सिर्फ दो ही दिशाएं रह गई, जो फायर दिशा है जो फायर को रिप्रेजेंट करती है, और जो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दोनों दिशाओं में जो है बड़ा मिरर जो है वो नहीं लगाना चाहिए। अब एक और सवाल है जो कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जी एंट्रेंस पे मिरर होना चाहिए। फिर देखिए, वही पॉइंट आ जाता है, यदि आपकी एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ है या ईस्ट है या वेस्ट है तो आप वहाँ पे एंट्रेंस पे मिरर लगा सकते हैं। पर यदि आपकी एंट्रेंस साउथ की है या साउथ वेस्ट की है तो वहां पे मिरर जो है वो अवॉइड करें। अब और भी बहुत से मिथ्स हैं जो आप लोग ही मुझसे सवाल करते हैं, तो आज जब हम मिरर्स की डिस्कस कर रहे हैं तो वो मिथ्स भी डिस्कस कर लेती हूँ।
लोगों ने ये कहा है कि जी बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए या बेड के एकदम सामने जो है वो मिरर नहीं होना चाहिए, उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं या हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। देखिए फिर से मैं ये पॉइंट रिपीट करूँगी कि किस दिशा में मिरर है इस पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं मैटर करता कि बेड के सामने है या बेड के पीछे है या बेड के साइड में, राइट? अगर आपका जो है बेडरूम ईस्ट में है और अगर आपके बेडरूम में बेड के सामने मिरर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज भी बेड के सामने मिरर से प्रॉब्लम होती है ऐसा नहीं होता है। जो प्रॉब्लम होती है वो एलिमेंट्स की, जैसे मैंने बोला कि फायर एलिमेंट है, फायर डायरेक्शन है, वहाँ पे अगर आप वाटर एलिमेंट यानी कि मिरर ले आएंगे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट देन देर आर सोल्यूशंस टू इट ऑल्सो। सो आई होप आज इस टॉपिक से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, और भी जो भी आपके डाउट्स हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई वुड लव टू मेक वीडियोज। और मैं पूरी कोशिश मेरी रहती है कि वास्तु से या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल है या जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूं। थैंक यू सो मच।